डियर बेटा, तुझे शादी के जोड़े में देखने की बहुत इच्छा थी। वेडिंग स्पीच ना दे सका तो सोचा ये चिट्ठी लिख लूं। तू एक मासूम सी परी की तरह मेरी गोद में आई थी। शैतान इतनी कि पूरा घर सर पर चढ़ा लेती थी और स्माइल ऐसी कि देखते ही दिल पिघल जाए। याद है वो तुम्हारी फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम जो हम हर संडे वॉक में खाया करते थे, या फिर जब पहली बार साइकिल से डर रही थी? मैं हमेशा तुम्हारे पीछे ही खड़ा था। जिंदगी ना इज जस्ट लाइक अ साइकिल। गड्ढों को देखकर रुक गए तो गिर सकते हो, चलते रहे तो देर सवेर जिंदगी की साइकिल भी बैलेंस हो ही जाएगी। कभी साथ में बर्थडे सेलिब्रेट किया तो कभी एक दूसरे से नाराज भी हुए। फ्रॉम द डे आई बॉट यू होम टू व्हेन आई सेड गुड बाय एट कॉलेज, आई एम ऑलवेज प्राउड ऑफ यू बेटा। आज तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा स्टेप ले रही हो, शादी। मुझे मालूम है शादी के बाद की लाइफ चैलेंजिंग हो सकती है, पर चैलेंजेस विल बी वर्थ इन द लॉन्ग रन। मुझे मालूम है तुम्हारी फास्ट मूविंग जनरेशन शायद मुझे सीरियसली भी ना ले, पर शादी के सात फेरों में छुपे हुए सात वचन हमेशा तुम दोनों को एक दूसरे का साथ देने की याद दिलाते रहेंगे। फाइंड न्यू एंड एक्साइटिंग वेज टू एक्सपीरियंस लाइफ, सेट गोल्स दैट यू बोथ वॉन्ट, ऑलवेज रिमेंबर योर कमिटमेंट। Because things will get hard, it is those difficult times that strain our relationship. Travel, कुछ नई जगहों पर जाओ, कुछ नया सीखो, अपनी problems एक दूसरे से share करो. Sometimes you need his help, or he may need you. कोई अपना मुश्किल में साथ छोड़कर जाए, तो life जीना उतना आसान नहीं रहता. ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहने वाली, तो support each other. Tell your husband how much you love him. Appreciate him for the man he is and the man he will become. हमें हमेशा लगता है कि हमारे पास बहुत समय है, पर लाइफ के आखिरी मोड़ पर जब हमें कुछ कहना होता है तो या तो वो नहीं रहते या आप। तुम्हारी शादी में वेडिंग स्पीच ना देने का हमेशा गम रहा, पर ये लेटर लिखकर दिल को थोड़ा सुकून मिला। विश यू अ हैप्पी वेडिंग लाइफ, लव पापा। Thank you so much for watching. Like, share and comment to this video. Rahul Arya, signing off.